हमारे देश में आज भी एंट्री लेवल स्मार्टफोन की भारी डिमांड है, क्योंकि एक तो ये स्मार्टफोन कम प्राइस में आते हैं और ऊपर से इनमें आपको अच्छे खासे स्पेसिफिकेशन भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप एक एंट्री लेवल फ़ोन लेना चाहते हैं तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हर एंट्री लेवल स्मार्टफोन में अच्छे स्पेसिफिकेशन नहीं होते और हर एंट्री लेवल स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी नहीं होता। इसलिए आपके लिए मैंने 5 स्मार्टफोन्स की लिस्ट बनाई है, जिसमें मैं आपको 5 बेस्ट एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स के बारे में बताऊंगा जिनका प्राइस 10,000 से कम है। और इस लिस्ट में जितने भी स्मार्टफोन हैं, अगर उनमें से किसी को आप बाय करना चाहते हैं तो सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। सबसे पहला फोन नोकिया C32 है। नोकिया C32 में 6.55 इंच की कर्व्ड डिस्प्ले मिलती है। फोन में ऑक्टा कोर चिपसेट दिया गया है। इसके साथ 4GB रैम और 128GB तक की स्टोरेज का सपोर्ट है। इसकी रैम को आप 7GB तक वर्चुअली बढ़ा सकते हैं। नोकिया C32 में 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है और 8MP का फ्रंट कैमरा है। इसमें 5000mAh की बैटरी और 10W की वायर चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। फोन 3 दिन तक का बैटरी बैकअप देता है, ऐसा कंपनी का दावा है। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो इस स्मार्टफोन का प्राइस 8,999 रुपये है। बाय करने के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। रेडमी A2, अगर आपको लगता है कि किसी फोन पर खर्च करने के लिए 9,000 रुपये बहुत ज्यादा हैं, तो भी आप एक किफायती रेडमी A2 को एक ऑप्शन के तौर पर रख सकते हैं। इस फोन की कीमत 6,299 रुपये है और इसके बावजूद भी इसमें आपको 6.52 इंच की HD+ डिस्प्ले मिलती है। इसमें आपको MediaTek Helio G36 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है। 5000mAh की बैटरी है और बैटरी के साथ आपको 2 दिन तक का बैटरी बैकअप मिलता है। कुल मिलाकर ये एक अच्छा एंट्री लेवल स्मार्टफोन है और 6,299 रुपये का प्राइस इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। 10,000 से कम प्राइस में वीडियो का अगला स्मार्टफोन है मोटोरोला E30। ये फोन भी 10,000 से कम कीमत में अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है। नोकिया C32 के जैसे ही E30 में भी आपको बहुत कम ब्लॉटवेयर मिलते हैं। फोन एक स्टॉक एंड्रॉयड UI के साथ आता है। फोन में आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलती है। स्मार्टफोन USB Type-C पोर्ट के जरिए 10W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसके साथ आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है। बात करें इसके प्राइस की तो इस स्मार्टफोन का प्राइस 7,499 रुपये है। वीडियो का अगला फोन सैमसंग गैलेक्सी M04 है। इसका प्राइस 8,499 रुपये है और इस प्राइस में ये एक अच्छा स्मार्टफोन है। इसमें 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले मिलती है, साथ में 5000mAh की बैटरी है। फोन को USB Type-C पोर्ट के जरिए फास्ट चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें एक डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें आप 1080p वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। कुल मिलाकर गैलेक्सी M04 उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो सैमसंग ब्रांड के साथ एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं। वीडियो का लास्ट फोन है रियलमी C55। अगर आप 10,000 से थोड़े ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं तो आपके लिए रियलमी C55 भी एक शानदार ऑप्शन है। इस फोन की कीमत 10,999 रुपये है। इसके साथ आपको iPhone 14 Pro की तरह डायनामिक आइलैंड मिल जाता है। फोन में 6.72 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले के साथ आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है और 680 nits की आपको ब्राइटनेस मिलती है। इसमें आपको MediaTek Helio G88 प्रोसेसर और 6GB तक रैम के साथ 128GB तक की स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। इसमें आपको 64MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है और इसमें 8MP का आपको फ्रंट कैमरा मिलता है। 5000mAh की बैटरी का इसमें आपको सपोर्ट मिल जाता है, साथ में 33W की फास्ट चार्जिंग मिलती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए।